एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, जो है पीरियड्स जल्दी आने के कारण। पीरियड्स जल्दी बहुत महिलाओं के अंदर आती है, तो उसका एक कारण है, एक रीज़न है, इसीलिए पीरियड्स जल्दी आते हैं। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। पीरियड्स जल्दी बहुत लोगों के अंदर आती है, बहुत महिलाओं के अंदर आती है। तो जिसको पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, उनके मन में बहुत ही टेंशन आ जाती है, बहुत सवाल आती है कि क्यों पीरियड्स जल्दी आए हैं। तो ये मुझे भी कई बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ वो सारे कुछ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके हिसाब से जिनके साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स हर महिलाओं के अंदर आती है। तो ये प्रॉब्लम किसी को कभी ना कभी फेस करना पड़ा, तो आप ऑब्वियसली शेयर भी कीजिएगा उनके साथ। और आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में जो बेल टिंग है उसे भी दबा के रखना, क्योंकि बेल टिंग आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पीरियड्स जल्दी आने का कारण मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं बताऊँगी एज यानी उम्र। तो उम्र बहुत एक बड़ा फैक्टर रहती है पीरियड्स जल्दी आने के कारण के पीछे। आपकी उम्र 12 से 15 यानी 12, 13, 14, 15 ये सबके अंदर आपकी उम्र है, तो आप अभी प्यूबर्टी एज में हो। प्यूबर्टी एज में ये होना एकदम स्वाभाविक है, एकदम नॉर्मल है। फर्स्ट टाइम आपके पीरियड्स आ रही है और पीरियड्स आने के कुछ साल आपके साथ हुआ है ये, तो ऐसा नॉर्मल है। टेंशन करने का बिल्कुल भी बात नहीं है, ये अपने ही आपके बॉडी के साथ ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट 40 से 47 के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके मेनोपॉज आने वाले हैं। ये उम्र के अंदर आप जो भी कोई मुझे देख रहे हो, आपके मेनोपॉज आने वाले हैं। मेनोपॉज आ रही है, मेनोपॉज का सिम्टम हो सकती है। तो मेनोपॉज सिम्टम बहुत सारे दिखाई देती है। पीरियड्स जल्दी भी आ सकती है, पीरियड्स देर में भी जा सकती है, या महीने में 2 से 3 बार तक पीरियड आ सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 के पहले ऐसा हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको, लेकिन 40 से 49 या 50 तक हो सकती है, कोई बात नहीं है। ऐसा आपके साथ हो रही है तो ज़्यादा अच्छे से खान पान करो, ज़्यादा पानी पियो, आप थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो। आपके वेट हैवी है तो वेट थोड़ा घटाने के लिए ट्राई करो, अच्छा हल्का फुल्का डाइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। टेंशन करने का बात नहीं है, इस उम्र में ऐसे आपके साथ हो सकती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी आपके साथ हुआ तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस कभी ना कभी किसी के अंदर हो ही सकती है। ये मेंस को भी होता है, ये वुमेंस को भी होता है। वुमेंस को जब हार्मोन इम्बैलेंस होती है तो पीरियड्स का प्रॉब्लम होती है। सबके बाल गिर सकती है, आपके फेस पर एक्नी पिंपल्स प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो कलर है यानी टेक्सचर है वो थोड़ा काला पड़ सकती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो सकती है, इचीनेस बढ़ सकती है हेयर में। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रहे हैं और उसके साथ साथ पीरियड्स का प्रॉब्लम भी हो रही है। तो आपके वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा वेट कम करने के लिए ट्राई करो, वॉकिंग करो, ज़्यादा पानी पियो, बॉडी को थोड़ा टाइम दे दो, ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आपके मन में बहुत सारे टेंशन है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। हार्मोन इम्बैलेंस के थ्रू PCOS, PCOD, थायरॉयड और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है, यदि डायबिटीज तक आपको हो सकती है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो पीरियड्स का प्रॉब्लम होती है। जैसे थायरॉयड प्रॉब्लम आपके साथ हुआ तो पीरियड्स में ज़्यादा भी आ सकती है, पीरियड्स कम भी आ सकती है, पीरियड्स देर भी आ सकती है, पीरियड्स जल्दी भी आ सकती है। ऐसे PCOD, PCOS एक हार्मोन इम्बैलेंस एक डिसऑर्डर है, एक हार्मोनल ही डिसऑर्डर है जिसके कारण आपके प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हार्मोन इम्बैलेंस आपके बॉडी के साथ हो रही है तो आपको पहले आपके वेट के ऊपर ध्यान देना है। तो ये अपने ही आप ठीक होती है कभी कभी, लेकिन ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रही है यानी 2 से 3 बार आपके पीरियड साइकिल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट में आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि स्ट्रेस हम जब भी लेते तो
ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ नहीं होती है, कभी कभी किसी के साथ हो जाती है। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है, अब जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपके हार्मोन बिगड़ते रहेंगे। तो हार्मोन बिगड़ेगी, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी, क्योंकि लेडीज़ के हार्मोन्स के साथ ही पीरियड्स जुड़े रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप चाहते हो पीरियड्स में स्पेशली, तो स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेते हो तो आपके बाल गिर सकती है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी मोटापा बढ़ सकती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो स्ट्रेस हम ऐसे ही बोलते कि स्ट्रेस हम नहीं लेंगे, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस का बात कुछ होती है जिसके कारण स्ट्रेस में आ जाती है हम सब। तो किसी के पढ़ाई की वजह से हो सकती है, कम उम्र में आप हो तो पढ़ाई की वजह से हो सकती है, रिलेशन की वजह से हो सकती है, फैमिली इशू हो सकती है। तो बहुत सारे स्ट्रेस का कुछ रीज़न रहती है जिसके कारण स्ट्रेस आ जाती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, ये तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि स्ट्रेस मुझे भी हो। स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेस आप कंट्रोल करके चलोगे तो पीएस में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपके स्ट्रेस के वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो। नेक्स्ट पीरियड जल्दी आने के कारण और एक होती है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, मोटापा, मोटापा सबके कारण बढ़ती है। और आजकल के दिनों में मतलब ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके कारण मोटापा बढ़ते ही जा रही है। 10% लोगों में, 6-7% लोगों के अंदर मोटापा हो रही है। ये एक ऐसा डिसीज हो चुका है जिसे हम ओबेसिटी कहती है। ओबेसिटी कॉमन हो चुका है आजकल के दिनों में। जो महिलाओं के अंदर ओबेसिटी हो जाती है, 10 में से 5 लोगों को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी के कारण। इसलिए मोटापा को तुरंत आपको कम करना होगा। तुरंत मतलब क्या है, जल्दी ऐसे 1 महीने के अंदर आपको कम करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे इसे ट्राई करो कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए ट्राई करो, वजन को पूरा आपके अंदर कंट्रोल करके चलो। जैसे आप थोड़ा देखो कि इस महीने में आपके वजन ज़्यादा बढ़ रही है तो अब डाइट स्टार्ट कर दो। डाइट स्टार्ट मतलब कि स्ट्रिक्टली डाइट स्टार्ट आपको करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा डाइटिशियन के पास जाके कंसल्ट ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल रहती है, ऐप रहती है, उसके थ्रू आप आपके मोटापा को कम कर सकते हैं, लेकिन क्विकली नहीं। क्विकली आप घटाते हो तो दूसरा प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं यही बताऊंगी, वेट लॉस। बहुत सारे लोग मोटापा के वजह से क्विकली वेट लॉस करना चाहती है। क्विकली वेट लॉस करने के वजह से लोगों के बॉडी में जिस क्वांटिटी में पौष्टिक तत्व यानी प्रोटीन चाहिए वो हम इंटेक नहीं कर पाते हैं कभी कभी। लेकिन जिन्होंने डाइटिशियन के पास जाके कंसल्टेशन लेके वेट लॉस करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी क्विकली फटाफट रिजल्ट नहीं देता है। तो आप फटाफट रिजल्ट चाहते हो, क्विकली फॉलो करना चाहते हो, मतलब पूरा 1 महीने के अंदर 30 kg, 32 kg ऐसा निकालना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी कर लिए तो कभी कभी ऐसा हो सकती है। फर्स्ट आप जिम ज्वाइन किए हो वेट लॉस करने के कारण, या आप फर्स्ट कोई भी वर्कआउट सेशन में ज्वाइन किए हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हार्मोन्स थोड़ा बिगड़ती है इस टाइम में, हार्मोन थोड़ा बैलेंस में आती है तो प्रॉब्लम आ सकती है पीरियड्स में। इसीलिए बॉडी को थोड़ा टाइम दे दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बताऊंगी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली। आजकल के दिनों में हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए, बहुत सारे वुमेन्स अपने तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कब वो खान पान कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कुछ भी एक टाइम फिक्स नहीं रहता। इतना बिजी रहते हैं कि अपने वेट भी मेंटेन नहीं कर पाते, वेट की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वेट बढ़ते हैं लेकिन ऐसा निग्लेक्ट कर जाती है, अभी मुझे वॉकिंग करना है, अभी मुझे वेट को मेंटेन करना है, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे इसे हम लोग ध्यान में रखें। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए लाइफस्टाइल को आपको पूरा अपने हाथ में कंट्रोल में रखना होगा, इसके कारण आपके पीरियड्स का साइकिल है वो ठीक रहेगी। आप इसे थोड़ा सा भी निग्लेक्ट करोगे तो पीरियड्स में ये असर दिखाएगी। इसीलिए वेट को मैनेज में रखना होगा, स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा, काम का प्रेशर ज़्यादा आपके अंदर इंटरनली आपको नहीं लेना है जो सारे वर्किंग लेडी है। और हाउसवाइफ भी बहुत सारे स्ट्रेस ले लेते हैं लेकिन इंटरनली उसे एकदम आपको नहीं ले। और बाहर का खाना हम आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, जैसे हम पिज्ज़ा, बर्गर और जंक, तले हुए चीज़ें, ये सब कुछ बहुत पसंद करते हैं, स्पाइसी दार। तो स्पेशली इस टाइम में जब आपको प्रॉब्लम आ रही है पीरियड्स में, थोड़ा आपको उसे अवॉइड करना होगा। और जो 2 मिनट में बन जाती है ऐसा रेडीमेड वाला मील मिलती है, उसे आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी आपको आई है लेकिन आप उसे पीरियड सोच
समझकर गलती कर रहे हो। जैसे प्रियर्स डेट के 4-5 दिन पहले ही आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसे आप थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि प्रेगनेंसी ब्लीडिंग भी प्रियर्स के तरह 2-3 दिन भी चलती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग आती है। तो गाइस ये था मेरे आज के वीडियो, प्रियर्स जल्दी आने का कारण, प्रियर्स जल्दी आने का कुछ कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। प्रियर्स को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती है नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।